मीठा जहर है ये चीजें, आज से ही छोड़ दीजिए इनका सेवन। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इन चीजों का उपयोग हम हर रोज अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन इनसे होने वाले नुकसान से हम अनजान रहते हैं। हमें इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में नहीं पता होता और ये हमारे शरीर को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती हैं। ये सभी चीजें एक मीठे जहर का काम करती हैं, क्योंकि इनसे होने वाली बीमारी का हमें एकदम से पता नहीं चलता और बाद में ये बीमारियां एक विशाल रूप ले लेती हैं। हमारे खाने में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बिना खाने का हमें स्वाद ही नहीं आता, लेकिन कई बार ये चीजें हमारी सेहत के लिए खतरा बन जाती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताएंगे जो एक मीठे जहर की तरह हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन चीजों के बारे में। शक्कर, शक्कर या अधिक मीठा खाने से शरीर में कई तरह के रोग लग जाते हैं। मीठा खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन कई बार ये हमारे शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है। इसे खाने से लीवर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है। अधिक मीठा खाने से मोटापा, थकान, माइग्रेन, अस्थमा और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अधिक मीठा भी नहीं खाना चाहिए। मैदा, मैदे से बनी हुई चीजों को खाने से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ये शरीर को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। इससे बनी हुई चीजों को खाने से हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है। जिन लोगों को पेट की कोई भी बीमारी रहती है, उन्हें पेट में कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या है, ऐसे लोगों को मैदे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें ब्लीचिंग एजेंट पाए जाते हैं जो खून को पतला करते हैं और पेट की बीमारियों को बढ़ा देते हैं। फास्ट फूड, आज फास्ट फूड बच्चों से लेकर युवाओं तक हर किसी को पसंद आता है, लेकिन हम इससे होने वाले नुकसान को जानकर भी अनजान बने रहते हैं। फास्ट फूड खाने से शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इससे मोटापा, ब्रेन पावर कम होना और हार्ट प्रॉब्लम जैसी समस्याएं आ सकती हैं। कोल्ड ड्रिंक पीना तो हर किसी को पसंद होता है और गर्मियों में इसका सेवन तो और भी अधिक बढ़ जाता है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान के बारे में हर कोई नहीं जानता। इसमें शक्कर और फास्फोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है और आपकी आंतें भी इससे खराब हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, आपको कोल्ड ड्रिंक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नमक के बिना हमें हर चीज का स्वाद अधूरा सा लगता है। अगर नमक के बिना कोई सब्जी या फिर दूसरी चीज खाने को कही जाए तो ऐसा असंभव सा लगता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अधिक नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। इसमें सोडियम की अधिक मात्रा होती है जो कैंसर और किडनी की बीमारियों को बढ़ा देती है, इसलिए आपको नमक का भी अधिक सेवन नहीं। मशरूम, कच्चे मशरूम खाने से भी कई तरह की बीमारियां शरीर को जकड़ लेती हैं। इनके अंदर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं जिससे कैंसर का खतरा बना रहता है और दिल की बीमारियां भी हमें लग जाती हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप मशरूम का सेवन करें तो इन्हें अच्छी तरह उबालने के बाद ही खाएं। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ चीजें जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अगर आप इन चीजों को खाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।